भजन की वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे भक्ति विरक्ति और भगवत प्रबोध तीनों की एक साथ अभिव्यक्ति हो सके? वह तो इस प्रकार से भजन करने शुरू ही नहीं के बाद में बात लाल लाल होते हैं जिसको सांप दे दे
थोड़ा वैराग्य हो गया तो भगवान को कई तिरस्कार कर लिया, थोड़ा ज्ञान हो गया तो भगवान को नमस्कार करना ही पीछे करना ही छोड़ दिया। इसको प्रतिरोध और बुरा मानता जीवन मुक्त आप ज्ञान संस्कार वासना यद्य चिंत्य महाशक्तो भगवत के पर आत्मा अचिंत्य महाशक्ति भगवान का अपमान करे तो जीवन मुक्तों को भगवान का तो करेंगे अपमान के उपाधि के माइक है क्या है और ये जाति से कहते हैं प्रेम कर बैठेंगे उसके पीछे पीछे चलने चलने लगे। तो किसी से बताया कि जगन्नाथ जी की सवारी निकल रही थी ना तो नानुक प्रजति जो मोहात प्रजत्तम परमेश्वर ज्ञानाग्न दग्ध कर्मा भी सर्वेद्र पराक्षता तो वैराग्य में विघ्न है भगवत प्रसाद आदि का तिरस्कार कर्मवास में बैठे हुए थे प्रदर्शन कर रहा था बैठे थे अब एक वहाँ से गोटी लगाए हमारे भगत निकले दूसरी तरफ करके सब उस रास्ते से इनका दर्शन नहीं करना है हमारे मैदान में बाकी पड़ जाए तो अब ये जो वैराग्य है ये वैराग्य वृद्ध का उनके ज्ञान है उनके श्रवण मदन तो जान अजान अज्ञान से भी और धावन बीच बीच में जब क्रम साधना करना रहे तब भी न खदेव न पटेर न वो फल से फल से होगा और न तो अधिक होगा पक्षवाही भी नहीं होगा और फसल साधन से इसके बाद जो साधन बताया वो काय नवाचा मन से हुआ है ये आठ नौ वर्ग के से कर इसको बाबा जो पूरे करने बैठते तो हमको मिले होते नहीं था तो आगे आपकी जन परीक्षण लोन तो हमको बोलने ही नहीं देंगे साधन है कि जो कुछ करे सो नारायण नाम ये मेरा है नारायण के लिए नर से जब नारायण सदैव नरेन नरावच्छिन्न नारम जगत सदैव एनम जगत में महाभारत नर नरावच्छिन्न चैतन्यम तेन कृतम नारम जगत सदैव तो ये नारायण के प्रति अर्पित हो ये हमारे व्यक्ति के प्रति अर्पित नहीं है बल्कि सर्वात्मा जो भगवान है उनके प्रति अर्पित है। फिर बीच में ये प्रपंच जो है ये माइक है और इसमें कभी आसक्ति न करके मन का निरोध करे ऐसा परंतु उसमें अर्थी करके ये बताया कि ये मन का विरोध करना तो सबके लिए अतएव श्रेयवान सुभद्राणी जन्मानी कर्माणी से जान दो के गायन विरजो चले दुखा श्रीमन सुभद्राणी हम भद्रन करने भी श्रोणियामा को यहाँ सुभद्रन करते तस्मय सुभद्र स्रोत नमो नमः। तो ये क्या है
रत्नांग पाणी, वो जो रत्नांग पाणी है भगवान, रत्नांग पाणी का एक अर्थ हुआ चक्रधार, रत्नांग को चक्र बोलते हैं, परंतु यहाँ पर भगवान उस कृपांडों की तरफ जब भीष्म पितामह ने अर्जुन को क्षत विक्षत कर दिया मानव से और अर्जुन कृष्ण से चिल्ला पड़ा कि अब हम नहीं बच सकते, अरे सोमराज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सके और चक्र चर में कौ नावल नहीं विसरत वाहपटपीत की वाहपटपीत की तो देख करके रथ का प्रया जब दौड़े में वो रथांग बाण वहां रथांग बाण में वाह अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके दौड़ने वाले वे हैं जरूर भगवान जो अपने अनन्य भक्त को देख करके अपने स्वरूप निर्गुणता की परवाह किए बिना भक्त की रक्षा के लिए दौड़ते हैं इतने दयालु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और विश्व की जो प्रतिज्ञा थी आज जो हरिहीन शस्त्र कहाओ तो राजो गंगा जननी को संतम सुतन कहाओ तो वो अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और अर्जुन के जीवन की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए क्योंकि धर्म पक्ष की यदि जीत नहीं होगी गौरव पक्ष की जीत होगी तो धर्म की रक्षा धर्म की रक्षा करने के लिए अपने सखा अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपने भक्त भीष्म की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा त्याग जो है वो उपलक्षण है अपने निर्गुण आदि जो स्वभाव से स्वरूप है जिनका परित्याग कभी हो नहीं सकता उनकी भी परवाह न करके और भगवान रक्षा करने के लिए न होते हैं तो ऐसे भगवान का जो चरित्र है उसका श्रवण करें श्रीमान ब्रह्मासु भद्रा भवत रमयत इति जो श्रवण मात्र से ही आनंद में डूबो दे उसका भद्र निरुक्त भद्र की उत्पत्ति भद्रम करने की इसी संस्कृत है भद्रम बातें नहीं था भद्रम करने की व्याख्या है अभी भद्रम नहीं है ये तो सुभद्रम और करने भी माने करने ही एक काम ही 10,000 काम तक तुम्हें भगवान कर सकते कर्म विभत को करना आयु तुम्हें इसमें बड़ा श्रीमान सुभद्रा ने क्या सुने तो जन्मा नहीं गर्भाण अजन्मा का जन्म सुने और अकर्ता का कर्म सुने क्योंकि विद्या प्रपंच की निवृत्ति के लिए सत्य श्रवण की अपेक्षा में अजो मिशन नब्बे आत्मा भूटान आदि सुनो मिशन सिर्फ भाई कहाँ सुने पुराणों में सुने तो बोले ने जान भूमि रसिया होगी लोग नाच नाच करके गाय रहे हो आंगने में बतैया बाजे हैं वेदों में सुनी आई बाबा की बात है जसोदा जाए लालना मैं वेदन में सुनी आई और तो ये जो है ना मैं वेदन में सुनी आई ये है जानी लोके गीतानी जन्मानी कर्मानी नामानी नाम भी कोई वेद में प्रोक्त ब्राह्मणी हो नारायणी हो ये भी नहीं लोक में जो कन्वा का धा कनिया ऐसे जो बोलते हैं सुन श्रीमान सुभद्रा जी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने जानी लोके गीता जी का अर्थ किया है अवैधिका नियम अवैधिक लोके गीता जी अवैधिका अधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं श्रीमान सुभद्रा ने सांग पाड़े जन्मानी कर्माणी के जानी लोके नामानी नामानी तदर्थकानी और वो नाम वाला जो भगवान का नाम का अर्थ है उसमें निरुक्त की आवश्यकता नहीं है न तो व्याकरण और न तो
दुनिया में जो भी नाम लेकर के कोई भगवान को पुकारे वही नाम तदर्थक होना चाहिए, माने उसके मन में वही गिरिराज करने वाले वही छैल सिकनिया, हाँ छैल सिकनिया नाम है ना यहाँ प्रदीप मंदिर है, छैल सिकनिया वो टेढ़ी टांग वाला जमाई ठाकुर मंदिर है, हाँ जमाई है, ऐसे नाम जो है गायो चले। एक तो भगवान का नाम लेने में शर्म नहीं करते और एक दूसरे से आसक्ति नहीं करते। यदि आदमी कहीं दूसरी वस्तु से व्यक्ति से स्थान से फंस गया तो भगवान कहते जा रहे पहले तू इसी के साथ रह, इसी के साथ बहुत कर ले फिर हम तुम्हें अपने साथ मिला लेंगे। तो आगे इसी बात को बताया एवं प्रथम स्वप्रिय नाम कीर्तिरा जाता है द्रुत चित्त चली असत्य को रोदिति रौद गाय सुरमान नृत्य की लोग वाक्य। तो इसी बात को बताया कि ये व्रत जब हो जाएगा ये जब नियम निकलेगा व्रत निकलेगा तो स्वप्रिय नाम अपने को जो प्यारा लगे उसी नाम का कीर्तन करें अथवा अपने प्यारे भगवान के नाम का कीर्तन करें। स्वप्रिय का दो अर्थ अपना प्यारा नाम और अपने प्यारे का नाम कीर्तन का दुरा को फिर हृदय में दुराग का उदय होगा और चित्त जो है वो द्रुत हो जाएगा। द्रुत हो जाएगा माने जैसे शीशे का ताला बनाते हैं ना तो उसको जलाते हैं, जलाने में दो काम होता है एक तो उसकी कठोरता जो पहले की होती है वो और यदि उसमें कोई रंग भरा हो भगत में शादी भी जल जाता है। अब उसके बाद गोदाकार का रूप साचे ने उसको डाल दिया मूसा से कम जसा काम रो तन निर्भव जाए थे बाल्यकार बोलते हैं मूसा से कम जसा काम जैसे सामने को गला के साचे में डाल दें तो वो चकर हो जाती है वैसे अपने चित्त को गला के इसमें जो राग द्वेष के रंग है उसको गला के गौराकार के साथे में डाल दो क्योंकि इसका स्वभाव है जगत उद्देश्य द्रुतम सबसे वहाकार बता दिया जिसके लिए ये द्रवित होता है द्रुत होता है उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है। अब यह भगवदाकार हो गया अब जरा करके भीतर की ओर देखा तो दिल नहीं था वो कौन देखा तो मुरली मनोहर सीता और हरी नाम सुंदर बांसुरी बजाते हुए रोमन गाते हुए प्रेम भरी के संबंध देखते हुए चुरुप चुरुप से करते हुए वो पीतांबर धारी देख जब जरा गर्दन झुकाई देख अब भगवान का दर्शन होने लग गया हृदय में सरस्वती कवि भक्त पराधिमा भगवंतम दृष्टवा हसते। अब महाराज गोपी ने कहा शाम को हमारे घर में आ जाना छोटा था उसने कहा तेरे अभी तुम्हारे साथ से कौन कैसे बनेगा तो एक कोने में जाकर छिप गए आप छिप गए महाराज इसी बीच में बुढ़िया ने छौक लगाई वो जो कई थी नाक में जाने लगी हमी आई तो बुढ़िया ने कहा अरे ये घर में कौन होता है कौन है अब तो महाराज ने ये डंडा दौड़ी और कष्ट भागते जा रहे हैं और बुढ़िया डंडा लेके पीछा कर रही है अब पीछा करते हुए बुढ़िया को देख करके भक्त को हंसी जा गई असत्य को रो देती कभी जब नहीं मिलते हैं तो रोने लगते हैं गायत्री के गाने से आ जाएंगे तो इस तरह से ऐसी स्थिति भक्त की हो जाती है और इसका फल ये होता है विरक्तिर भक्तिर विरक्तिर किस तरह भक्ति आती है हृदय में भक्ति माने बंटवारा हो जाता है। दर्शन शास्त्र में भागवत शब्द का जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ उसका अर्थ हो जाता है गौण। भागवत का अर्थ यह है कि प्रपंच गौण हो जाता है और मुख्य वृद्धि भगवान से हो जाती है तो प्रपंच की आसक्ति का मर्दन और भगवान का सेवन भज सेवायाम से भगवत सेवन और जो मर्दने से प्रपंच का मर्दन
जोरी सबन सोट दो ऐसी भक्ति आती है तो भजनीय कर दो कि अतिरिक्त जो है उससे बचा दो। और भगवान प्रबोध है जो भजनीय भगवान है उसका प्रबोध हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो भगवत धर्म का वर्णन है वो इस प्रकार भक्ति विरक्त भगवत प्रबोध भवंति वै भागवत से राजा तथा पराम शांति मुकई थी साक्षात। इस प्रकार जब भागवत होता है तो परा शांति की प्राप्ति हो जाती है। परा शांति की प्राप्ति माने अब तक तो संसार की ओर बन जाना, अब संसार की ओर बन जाना बंद हो गया, स्वस्थ हो गया मन अथवा भगवत स्वरूप स्वस्थ हो गया। अब उसमें आवरण की शक्ति जो है वो इतनी क्षीण हो जाती है कि आत्मा परमात्मा के ऐक्य को आवृत करने का सामर्थ्य ही उसमें नहीं रहता है। इसलिए भक्ति के द्वारा अपने चित्त को भगवदाकार करें तो भगवत अतिरिक्त से वैराग्य और भगवदाकारता चित्त की सुस्थिर और भगवदाकारता में तो आवरण की शक्ति अत्यंत क्षीण है। जरा सी चोट लग गई गुरु जी महाराज ने अयम आत्मा पर अयम आत्मा और इतने से ही काम करेगा तो जरूरत रहेगी वो भक्ति विरक्त भगवत प्रबोध हो गया फिर अभी जरूरत रहेगी नहीं हुई भक्ति हुई पहले मन से वैराग्य हुआ और वही प्रबोध के लिए जरा सी जरा जरूरत बहुत वही भागवत क्योंकि वो आगे जो वर्णन है ना ब्रह्म स्वरूप का जो वर्णन है वो है। और आगे भगवान की गाथा सुनने से चित्त शुद्ध होता है इसका भी और नामोच्चारण भी श्लोक इसके बाद में भगवान का नामोच्चारण करने से धीरे धीरे चित्त स्वयं का प्रश्नो यथा समित प्रकाशा साक्षात मदृश्यो को समित प्रकाशा यही तो है सब मतपूर्ण गाथा श्रवणाभिधान तथा तथा पश्यति सूक्ष्म चक्षुर्जतैवान् जन्म प्रयुक्त जरा लगाने की जरूरत रह जाएगी। ये साधन अंजन नहीं बनेगा, ये अंजन नहीं बनेगा और जरा हम जाएगा झुकाव सबका उधर ही जाता है। ये है कि मीमांस को नहीं कर साधन को अनित्य ही और ये परमाणु के उत्पन्न जो कार्य अनित्य ही है। परमाणु भले नित्य हो कार्य जगत तो अनित्य ही है। इसलिए जब कृष्ण कार्य तक समुकम तत्वार्थवल असल में अच्छा जो माफ करते थे चल रहा हो गया पूरा हो गया सर्वभूत कामना सर्वभूत वो तत्पदार्थ जो माम पश्यति सर्वत्र वो ईश्वर है। और सर्वभूते आत्मान सर्वभूता निजात्मा ये कौन पदार्थ है आत्मा है। और सर्वभूत स्थितम जो माम सर्वभूत स्थितम आत्मान सर्वभूत स्थितम माम भजत एकत्व स्थितम सर्वथा वर्तमानों के सयोगी नहीं वर्तते। तो तीन श्लोक बोल दिया एक में ईश्वर एक में और एक में दोनों की एकता और उसके बाद सर जो कि वही वर्ष थे सब सदा कौन सदा ऐसे वहां ब्रह्मभूत प्रबंध समस्त कितनी खुशी की बात है। इतना साधन करने के बाद कितनी बड़ी चीज है भक्ति श्लोक बोले ब्रह्म बुद्धि आवश्यक है आगे
शब्दादि विषया त्यक्त्वा अगत्येषु विदुष्येषु विविक्त सेवी दंपाती यथवा काय मानसा ज्ञान योग परो नित्य वैराग्य समुपास्तुं अहंकार बलम धर्म काम क्रोध परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्तेषु भूतेषु। इतने के बाद तब मेरी भक्ति और आगे भक्ति को कर दिया कर भक्तिया महाम अभी क्या बाकी है भक्तिया महाम अभिजाना जावान दृष्टा विदर्शता गीता में सबरे पखेड़े को कहने के बाद प्रकांड बताने के बाद सर्व इतिते ज्ञान माक्षा खत्म कर दी गीता। अब सर्व हुई तम हुई और सुन में प्रबंध अब एक बात बताया और रह गई तो अत्यंत प्रिय बात पूरी गीता समाप्ति की बात कह रहे हैं भगवान वहाँ लोग
अब भगवान ने गीता में क्या कहा और अर्जुन से पूछते हैं तुम्हारे अज्ञान प्रभु का नाश हो गया क्या? तो बड़ी सारी बात हो गई। माने गीता सुना के भगवान को ये उम्मीद है अर्जुन कि उसके अज्ञान प्रभु का नाश हो गया, यही उम्मीद रखते हैं अर्जुन को कि हो गया पता। और नष्टो बहुत स्पीकर लगता पत्र दादा इसमें क्या पत्र दादा माया स्थितो नष्टो मोहा स्मृति लगता स्मृति खांडो के उपनिषद में स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा और क्या नाम है गत संदेह संशय का नाम वो स्थितोष में गत संदेह करिष्य वचनम। अब हमारा न अहंकार है न हमारी बुद्धि है न हमारा आग्रह है, अब तो जैसे सूखा पत्ता हवा के उड़ाए होता है वैसे तुम्हारे उड़ाए उड़ने वाला ये जीवन है। तो इस तरह से गीता का जो तात्पर्य है और दूसरे अध्याय में जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये है कि एक तो प्रमुख बात नाटकों के जैसे और दूसरे एकम व्यक्ति संसारम दृष्टिंगम जैसे प्रथम में कर्तृत्व ज्ञान मूलक है बहुत कौन गुजारी को नायम भूमि जमा जैसे और वेदा विनाशनम नित्यम जय नमजमव्ययम ये ज्ञान से ही वेदा विनाशनम नित्यम जय नमजमव्ययम स्वतंत्र पुरुषक पार्थ संघाते विहंतिकम कर्तृत्व की निवृत्ति जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व की वो ज्ञान से होती है और अज्ञान के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है। और धरने लायक की बात क्योंकि अनधिकारी अनधिकारी जो सोच के अपने को बहुत डर जाते हैं उनको धरने लायक नहीं है क्या अभिचेत पापे सर्वे पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्रवे नहीं हो। अब इससे बढ़िया और क्या बात करेंगे और मनुस्मृति में वेदांति लोग करते हैं वेदांत हमने पहले समय का विचार होता है वेदांत परिभाषा में ये प्रमाण का विचार कैसे प्रारंभ करेंगे किसी मुख्य असल में श्रुति स्वयं प्रमाण वो प्रमाणांतर से अधिगत जो वस्तु है और प्रमाणांतर से अधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित और असंदिग्ध वस्तु का प्रतिपादन करती है यदि वो दूसरे प्रमाण का वेदांत यदि दूसरे प्रमाण का प्रतिपादन करे तो उसकी स्वयं प्रमाणता कम हो जाएगी अपर प्रमाणाधीन हो जाएगी और कोई भी प्रमाण अपने विषय में स्वतंत्र ही होता है स्वविषय सुनाने प्रमाण बनते अपने अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं। श्रुति को हमारे वेदांत को किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है क्योंकि वो तो स्वतः प्रमाण है। तब ये जो वेदांत परिभाषा आने में दूसरे प्रमाणों का निरूपण है वो क्यों है वो तो नेति नेति के द्वारा निषेध करने के लिए है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा आत्मा मन की एकता का अनुगम नहीं होता है वो केवल निषेध के लिए ही है। इसलिए श्रुति किसी दूसरे प्रमाण का अभिज्ञान नहीं करती है और निषेध करने के लिए दूसरे प्रमाण का उपन्यास किया जाता है यही वेदांत की। और सबसे बढ़िया तो अनुसार भगवान सर्वाधिकार कोई भी हो कोई भी हो जो भगवान का नाम ले दर्शन करे गीता करे नृत्यंती गायंती अनुशील भगवत पुरुष परमे नाचो गाओ मंदिर में जाओ दर्शन करो। प्रश्नोत्तर तारीख 8/4/1985 ज्ञानम यदेद तमलम दुर्वापमाय नारायणो नरसक किल नारदाय एकांतिनाम भगवतस्तदकिंचनानाम पादारविंदेशात्मकदेहिनाम स्यात्। तो जैसे कि तत्वस्य आदि महावाक्य इन भक्तों के लिए लागू तो नहीं होते हैं कि इनकी विवरण को बोध नहीं होगा तो सप्रेष्ठ विरभक्ति प्रताप उपासवा ध्यान प्राप्त 44 वृत्तिया क्षीण मंगला उपयोग के विषय में
यशोदा नंद बाबा को तत्व ज्ञान नहीं कराया कभी और उनके लिए भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये तत्वसी आदि महावाक्य जो है इन भक्तों पे लागू होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान के बालक बन जाते हैं, जो वो चाहते सो भक्ति में एक बड़ी शक्ति है कि वो भगवान को चाहे जो बना सकते हो, ये तो चैतन्य महाप्रभु का और भगवत दास का दृष्टिकोण है कि भगवान इतनी अनुग्रह शक्ति है, अनुग्रह एवं नियामक बल्लभा दास का प्रेम एवं नियामक श्री चैतन्य भगवान के जो भगवान में अनुग्रह है तो सदगत वही है और प्रेमा के द्वारा जो भी नियंत्रित होते हैं तो भी सदगत ही है। इसलिए सगुण भक्त भगवान की प्राप्ति में स्वतः इस श्लोक में जो वर्णन है ज्ञान का, ज्ञानम यदि कमलम दुर्वापमा नारायण नरसक किल नारदाय पादारविंद गज्जा पृत देहिनाम स्या सर्वे अकिंचन महात्माओं के पादावुज गज में जब महत्सागर जो विशेष जब उन्हें प्राप्त हो गया तब वो ज्ञान होगा। अब पंडित जी बात यह है कि ज्ञान होगा तो हृदय नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, कोई कट प्रकाशी पदार्थ में तो ज्ञान होता है। ज्ञान तो जब होगा जब हृदय में, तो हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो है वो आंख है कि नाक है कि हृदय है, तो वो वाक्य ही ऐसा उदय होगा उनके अंतर में जिससे नारायण लोग ज्ञान जो ब्रह्मा को प्राप्त हुआ स्वामी करना है। ये अंतिम श्लोक जो है कारुण्या संप्रकाशित, कारुण्या संप्रकाशित में भी है और विशुद्ध मनम सत्यम परम धीम ही वहाँ कारुण्य ही नारायण ने ब्रह्मा को और फिर ब्रह्मा बनकर नारायण ने ही नारद को और फिर नारद बनकर नारायण ने ही व्यास को और फिर व्यास बनकर नारायण ने ही सुखदेव और फिर सुखदेव बनकर नारायण ने ही राजा परीक्षित को तद्रूपिणा तद्रूपिणा उस श्लोक में है। तो मतलब ये है कि ज्ञान के मूल तो नारायण है और एक व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है वो महात्माओं का भक्त है या स्वयं महात्मा है। तो उस ज्ञान की उत्पत्ति होगी शब्दों लेख पुरस्कार होगी और शब्द के ही होगी। एक प्रश्न ये वेदांतियों ने उठाया है कि बिना शब्द के जो ज्ञान की उत्पत्ति होगी वो तो विलक्षण होनी चाहिए ना, कैसे होगी बिना शब्द के? तो न सोचते प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमा रूपे अनुविद्व ज्ञान सर्वम शब्दे आरभते। तो ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये दोनों एक है अथवा आत्मा है अथवा दास है अथवा आत्मा है अथवा बालक है, ये जो हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति होगी वो कैसे? तो नारायण की करुणा से ये जो शब्द है वाक्य है वो हृदय होकर के परमात्मा के ज्ञान को स्पष्ट कर देते हैं, अनावृत कर देते हैं। इसलिए ज्ञान तो होता है परंतु वो ज्ञान जो है जब हृदय में उसका उल्लेख होगा है आत्मा इधर जगत अयम आत्मा ब्रह्मा, तो ये जो ज्ञान की स्फूर्णा होगी हृदय में वो शब्दों लेख पुरस्कार होगी कि नहीं? तो वे शब्द या तो तत्व अत्यादि होंगे या तो इसी के पर्याय बाकी कोई शब्द होंगे, परंतु शब्दों लेख के बिना तो ज्ञान जो है अज्ञान का
निवारक होगा ही नहीं। अज्ञान का निवारक तो ज्ञान तभी होगा जब शब्दोल्लेख पुरस्कार होगा। इसलिए नारायणोक्त जो ज्ञान उन्होंने भी कहा ही, तो नारायण को भी तो गुना कहना ही पड़ा। नारद नारायण नरसक किल नारद है एकांत नाम भगवत सद किंचन आना ज्ञानम यदि ददमलम दुर्वाप माप स्वयं नारायण ने भी बिना बोले इस ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी को किया, भूल कर ब्रह्मा जी को उपदेश किया। आह क्रिया पक्षार्थ ही होगा। अब ब्रह्मा जी ने बोल कर नारद को बताया और नारद जी ने बोल कर व्यास को बताया, व्यास ने बोल कर सुखदेव को बताया। तो वही जो वचन मूलक ज्ञान है वो जब किसी भक्त के हृदय में होगा तो कुछ थोड़ी सी खटपट कर ले तो भगवान चाहे वो रुद्र में से ही कल्पमती निकल जाएगा और चाहे बांसुरी में से निकल जाएगा, लेकिन ये खटपटिया कुछ न कुछ हिलेगा डोलेगा। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी स्पंदन की आवश्यकता पड़ेगी और वो स्पंदन जो है यही भगवान का नृत्य है। तदे जति तन्ने जति तद्गुणे तद्वन्ते ये जति कंपते सोपाधिक रूप है ना वो हिलते जरा कमर हिलाते हैं जरा टुटते हिलाते हैं जरा ऐसे कर देते हैं हाथ से या ऐसे कर देते हैं कि नहीं अभी अभी बाप जी आ रहे हैं तुम दूर ही ये यदि नवीन अज्ञान निवारक ज्ञान की उत्पत्ति होना है तो वो शब्द पूर्वक होगी और शब्द स्पंदन तो होगा ही होगा। इसलिए व्यक्ति के द्वारा बोला हुआ जो ज्ञान है जिसका अपौरुषेय मूल नहीं है वो मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता और संसार नहीं हो सकता। सगुण निर्गुण ज्ञान में भी कोई सगुण निर्गुण नहीं कुछ भेदा हो गए हैं वो सब तो एक हो जाने की दूसरी जरूरत क्या रहेगी। नाथ मुनि से कहते हैं कछु अंतर तो मुनि ने उसमें भी थोड़ा अंतर तो बताया है। उधर मंत्रण टूटे या तो तत्व है भागवत में तो प्रत्येक चकार से भगवान शरद कुमार नारद जी के गुरु का उपदेश है प्रत्यक्ष प्रकाश के भगवान सदवेद और नव योगेश्वरों के संभाग में जो ग्रंथ का निरूपण है कौन योगेश्वर है अंतरिक्ष प्रबुद्ध से पलायन आग्रहोत्र चमसी पलायन पलायन ने जो तत्व ज्ञान का उपदेश किया इसमें ऐसा है कि ध्वनि तत्व एक शब्द बहुत सुपर प्रकट है। इसके साथ आज ने कहा यही ध्वनि बहुत विचार है क्योंकि तुम्हारे भक्त ने तो सर्वज्ञता का प्रत्येक मंदिर कोई भी व्यक्ति ने कपड़े में हार नहीं होता ये कोई सर्वज्ञ नहीं ये मीमांसा में उसका स्पष्ट होता है। इसलिए जो ज्ञान अनुपन्न माने जो किसी काल में किसी देश में किसी वस्तु में किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ सबका जो प्रकाशक है वो जो अपौरुषेय ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है और बाकी तो सत्सत काल सत्सत देश सत्सत व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा रंग या स्वयं पद्मनाभ से मुखर नियम निमित्त बन जाए पद्मनाभ की करता नहीं स्वयं पद्मनाभ पद्मनाभ जी ने सोचा उस ज्ञान के कर्ता पद्मनाभ नहीं है वो तो स्वयं प्रकाश ही है और उनके इसलिए ये जो भागवत अब नाम ही है भगवान भगवान लेके तो हम लोग इसको सगुण साकार ही तो बताते हैं लेकिन भागवत में तो शब्द देते हैं
ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान की शब्द थे अद्वितीय तत्व अद्वयम तत्व ब्रह्म की शब्द थे परमात्मा की शब्द थे भगवान की शब्द थे अस्थि अद्वयम ज्ञानम एक ये तो बदलती तत्व तत्व जज ज्ञान मद्वयम ज्ञान में अद्वैता क्या है ज्ञान स्त्री एक भेद का न होता ये ज्ञान में ऐसा ज्ञान का स्वभाव है कि यदि ये उत्पन्न होता है किसी विषय को देख तो सामने वाले को इदम बना देता है और पीछे वाले को अहम बना देता है अहम ज्ञाता इदम ये दोनों ज्ञान के विवर्त है ज्ञान में ये वास्तविक अहम और इदम की उत्पत्ति नहीं होती है अब यही जो ज्ञान है इसका नाम भक्तों ने भगवान रखा हिरण्य ग्रंथों ने सर्वात्मा रखा और श्रुति ने सर्वत्र इसका नाम रखा इसलिए हमारे सभी आचार आचार ही नहीं होगा वो जो ब्रह्म शब्द को पर तत्व का वाक्य वो आचार जो होगा ही नहीं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म शब्द है और तदे तत् ब्रह्मापूर्वम अनपरम अनंतरम अवाह्यम तदे तत् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म वेद शास्त्र का कहा है कि जिसमें कार्य कारण अपूर्वम अनंतरम पहले नहीं है पीछे और अनंतरम अवाह्यम जिसके भीतर नहीं है बाहर नहीं है देश भेद नहीं है और कार्य कारण का भेद नहीं है और एतत् जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये मूल बात इसमें ये चार बात ये है कि चेतन तत्व नहीं है जड़ ही तत्व है चेतना भास है और ये जड़ से उत्पन्न हुआ चेतन ये अनुभास है चेतना और चेतन वादी जो है उनका मूल तत्व ये है कि चेतन ही तत्व है ये जड़ जो है ये जड़ाभास है ये जड़ नहीं है सब चेतन ही जड़वत आभास रहा है और चारबाग का मत है कि चेतन नहीं है जड़ ही है वो चेतनवत आभास रहा है और बीच वाले दार्शनिकों ने कहा कि नहीं दोनों दोनों है तो श्रुति भगवती जो है वो जो सर्व मूल में बिना ज्ञान न जड़ाभास की प्रतीति हो सकती और न चेतनाभास की प्रतीति हो सकती इसलिए मूल जो अपौषेय अकृत नित्य सिद्ध स्वतः सिद्ध जो ज्ञान है वो तत्व है तो श्रीमद् भागवत की परिभाषा परिभाषा वचन ये है तत्व विदः तत्व बदंती तत्व वेत्ता उसको तत्व कहते हैं अनारोपिता कारम सच ईश्वर सच तत्व स्थान तेषां भाव तत्व जो ईश्वर रूप से भिन्न रूप से जगत रूप से जो भास करता है इनका जो मूल अनारोपता कार है उसका तो तत्व विदत तब तत्व बदलते किम तत् यत् अद्वयम् ज्ञानम् वो क्या है वो अद्वय ज्ञान कौशी में तत् अद्वयम् ज्ञानम् तत् जो है ये कारणता का आरोप करने के लिए तनोति तत् तनोति जथा पूर्ण नाभिपूर्ण नाभि से ये आरोप और ज्ञानम तो ज्ञान में त्रैक की प्राप्ति है तो ज्ञान है और ज्ञाता तो उसने कह दिया एक अविवाद द्वितीया तो ये तो सर्वसुखार है पहले ही प्रतिज्ञा वाक्य में ही आया है यह स्वानुभाव मग्निल श्रुतिसार मेघम अध्यात्म दीपा अति तीरथता तमोन्धम अभिमकम पूजा छंदो भंगम से कह रहे अति तीरथता तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण
तम व्यास सुन गया तो ये गुरु की कारण मूलक उपाधिक ही है ये भी उपाधिक क्यों है कि प्रकृति में जो सत्वगुण है उसको एक विषम परिणाम सत्व मानते हैं और एक सम परिणाम सत्व मानते हैं। तो प्रकृति का जो सम परिणाम सत्व है उसकी उपाधि से पुरुष विशेष क्लेश क्लेश कर्म विपाक और आश्रय से अपरामृष्ट होता है। और वही जो है पूर्व शाम के गुरु काने सिद्धार्थ में वो जो सर्व परिणामी विरुद्ध तत्व है उस तत्व की उपाधि से पुरुष में विशेषता का औपाधिक क्योंकि प्रकृति का है इसलिए औपाधिक कारण की कल्पना करके और उसी में गुरुत्व मानते हैं। और फिर सज्जप सदा सज्जप सदा तथा और ईश्वर के अनुसंधान से ईश्वर परिणाम से समाधि लगती है ऐसा मानते हैं। तो ये जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद है ये अहम इदम का जो भेद है ये जब हम देह में अभिमान करके बैठे हुए हैं तभी इसका व्यवहार होता है नहीं तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप में घट की उपाधि से घटक ज्ञान पट की उपाधि से घटक ज्ञान और घटपट की उपाधि हो हट गई तो ज्ञान मात्र और ज्ञान से विरहित यदि सत्ता होगी तो जड़ ही जड़ होगी और सत्ता से विरहित यदि ज्ञान होगा तो क्षण होगा और यदि वही परमानंद नहीं होगा तो पुरुषार्थ तत्व उसमें नहीं आवेगा। इसलिए ये जो आत्मदेव है सारे श्रीमद् भागवत में दिल्ली का वर्णन है किम विधत्ते किमाचष्टे किमनुष्य विकल्प हृदय लोके नान्यो मतभेद कष्टन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्पया पूजते एक आवान सर्वेदार्थ शब्द आस्थाय माम इदाम माया मात्र अनुदीय संत प्रतिषिध्य प्रतिबद्ध ये संपूर्ण वेदों का सार श्रीमद् भागवत में ये बना है। तो पांच बात लिखता बताई है एक एक स्थान पर जनि मतता सतो मृत्यु अतता इदानी अतता मोक्ष से जन्म इस समय तो मोक्ष नहीं है और साधनादि के द्वारा मोक्ष की उत्पत्ति होगी ऐसा जो मानते हैं। सतो मृत्यु इस समय बंधन सत्य है और ये उपासना कर्म योग आदि के द्वारा नष्ट हो जाएगा ऐसा जो मानते हैं। जन्म पर सतो मृत्यु उत आत्मनि एक विदा और जो आत्मा में अनेकता भेद मानते हैं संख्या या जो अनेक है विपण मृतम स्मरन्ति और कर्म और कर्म का फल लोक पर लोक आदि जो है ये वास्तविक है ऐसा जो मानते हैं। असंतम श्रवण प्रेम आशिषो हृदय संकल्प जगन कर्थान स्वप्नोपम मम लोकम असंतम श्रवण प्रेम भागवत का श्लोक है। अर्थे ये विद्यमान की संस्कृत निवर्तते जाय तो विषयान स्वप्ने कर्थागम प्रेम तो ये असतो मृत्यु आत्म ये विपण मृतम स्मरन्ति लोक परलोक में जो कर्म कर्म फल का चिंतन है उसको जो सत्य मानते हैं उत आत्मनिदित बिना विपण मृतम स्मरन्ति उपदिशांति तो आत्मनिदित ये केवल अध्यारोप से ही ऐसा उपदेश है। त्रिगुणमय अपमान इति बिना यद बोध कृता ये आत्मा शांत है विक्षिप्त है मूल है त्रिगुणात्मक है कही तो आत्मा को न जानने से कल्पना की गई है वही मैं तथा परत्र भवे अवबोधन से परमात्मा का स्वरूप को अवबोध अनुभवन करता है और उसमें ये नहीं है। तो इस बात को जब हम संदेश पर भागवत कर देते हैं तो वो फिर विलक्षण ही निष्कर्म ज्ञान का विलक्षण शुद्ध ममृतम सत्यम ध्यानम निर्विषयम मन
ध्यान को निर्विषय कैसे बनाया जाए अथवा ध्यान स्वयं निर्विषय हो जाता है तथा सत्यपि भेदापगमे नाथो प्रवाहम न माम की नत्यं सामुद्रो ही तरंग है वचन समुद्रो न तारंग। प्रश्न करता है उषा जी वृंदावन। उषा न आत्म स्वस्थ न कृष्ण न किंचित किसी को महात्मा ने ध्यान भक्त देता के प्रश्न दूसरा प्रश्न सत्य भी उसको यह मालूम पड़ता है प्रश्नकर्ता के बताए उसके लिए निर्विषय का होगा भगवान के सिवा जो भी कुछ विषय है उससे मन को खाली कर विषयात निष्क्रांत निर्विषय मन एव निर्विषय मन एव ध्यान क्या है अपने लक्ष्य अपने आए जो कुछ भी दूसरी वस्तु काल देश जाति व्यक्ति में आता है उसको मन से निकालेगा। अब निकालने के लिए ऐसा है कि भक्त के लिए तो भगवान का स्मरण सबका ही मुख्य है। जब वो भगवान का नाम उच्चारण चारण करेगा स्मरण करेगा तो धीरे धीरे दूसरे दूसरे विषयों में मजा करेगा। जब राम लागते थे तो नवरत अखरत नवरत अनरत रत वह जाते सरस्वी थे जो मुझे राम लागते खास यदि भगवान में आ जाए माधुर्य स्त्री पुरुष के मिलन में माधुर्य भोजन का जो प्रसाद स्वादन है स्वर्ग चंदन बरसाने का जो सुख है उसमें कोई मधुरता नहीं और ज्ञानी प्राप्ति से जो सुख होता है संतोष होता है वो कोई संतोष विषय से अपना मन निकाल लेना चाहिए। ये विषयों के जाल में मन जो फंसा हुआ है वहां से उसको अलग करना चाहिए। विषयात निष्क्रांत निर्विषयम निराधय क्रांता ये पंचमी तत्व समाप्त उसको। अच्छा अब विषय क्या है पांच पत्ते अमर कोश के पिता का व्याख्या सुधा था पांच स्थान पर पांच पुस्तक विशेष अतिथि जी है विषय से अने विषय से जना अने विषय जो लोगों को बाहर देते हैं सब स्पर्श रूप संसार के उनको माने हमारे मन को हमारी आत्मा से अलग करके और वह मुक्त कर देते हैं इसका नाम है विश्व। अब ये भगवान के नाम का जप भगवान की पूजा भगवान का स्मरण धीरे धीरे मन से विषयों को निकालता है। एक बात अब यदि योग की दृष्टि से देखें तो इसमें अभ्यास और प्रकार से दोनों की मन को रोकना मन को रोकना है विषयों में जाना ये बात भक्ति में अपने प्रयास से
कितने मीठे हैं भगवान, उनके शरीर से सुगंध निकलती है, जो रस लगता है, जो सौंदर्य उनका प्रकाश में आता है, जो सुकुमार के सुकुमार का स्पर्श और जो उनका संस्वर्ग सुरीलापन, उनका संगीत, उनकी मच्छी ध्वनि, उनका सुकुमार स्पर्श, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनका सौगभ्य मन को ऐसा खींच लेता है कि विषय के निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही संसार के विषयों की ओर से, बंधक विषयों की ओर से निकाल देता है। तो वैराग्य और अभ्यास, ये दोनों प्रेमी भक्त के लिए कर्तव्य नहीं होते हैं। भगवान के स्मरण से ही भगवान के अतिरिक्त विषयों से वैराग्य हो जाता है। और आओ, यदि अभ्यास नहीं करना हो तो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास माने दोहराना, जहाँ मन लगाना चाहते हो उसको दोहराओ और जहाँ से मन हटाना चाहते हो उसमें दोष दृष्टि करो। अभ्यास वैराग्य होगा, अभ्यास और वैराग्य से मन निर्विषय हो जाएगा। अब यदि ईश्वर की कृपा से कोटि कोटि जन्म के पुण्य से, ईश्वर की कृपा से यदि विचार का उदय हो जाए, ये विषय क्या है, ये मन क्या है, इसका मन में विषयों का रखना क्या है और मन से विषयों का निकलना क्या है, यदि ये विचार उदय हो जाए, विवेक दो बातों में से एक को सुनने के लिए होता है और विचार जो है वो एक मुखी होता है, विवेक द्विमुखी होता है और विचार एक मुखी होता है। अपने लक्ष्य वस्तु का विचार, उसका क्या छोड़ना है। तो देखो, अपने से बाहर यदि कहीं भी जाना पड़े तो वहां से लौट के जरूर आना पड़ता है। वो तो मन ऐसे सूत से बंधा हुआ है आत्मा के साथ, यथा सूत्रेण प्रबंधन शक्ति दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपाश्रयते। जैसे रस्सी से बंधी हुई चिड़िया इधर उधर उड़ती है और जब कहीं उसको जगह नहीं मिलती तो अंत में जहाँ बंधी हुई है उसी पर आती बैठ जाती है। इसी प्रकार ये मन हमारा संसार में इधर उधर रहता है, लेकिन उसको खींच के आत्मा के पास तो आना ही पड़ेगा, चाहे ध्यान से आवे, समाधि से आवे, सुषुप्ति से आवे, मूर्छा से आवे, कभी न कभी तो मन को लौट करके अपने आश्रय में ही आना पड़ेगा। विषय में तो वो कभी हमेशा रह नहीं सकता। इसलिए यदि विचार किया जाए कि वो लक्ष्य क्या है, देश कल्पना, काल कल्पना, द्रव्य कल्पना, इन कल्पनाओं वाला जो अंतकरण है, वो अंतकरण जिससे प्रकाशित हो रहा है और जिसमें रह रहा है, अंत में मन को सब विषय छोड़ करके उसी में अपने को शांत हो जाना पड़ेगा। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम कर निरोधन योग में और भगवान के सौंदर्य माधुर्या जी का अनुभव करने से भक्ति में, और यदि विवेक करो, विवेक सोय मित्रशाह विचार सोय मित्रशाह है, क्या विचार है, आपके मन में लंबाई चौड़ाई कितनी है आपने कभी नापा है, कितना लंबा मन होता है और कितना चौड़ा,
मन लंबाई चौड़ाई रूप देश में नहीं रहता है, बल्कि मन में ही लंबाई चौड़ाई रूप देश की कल्पना होती है। अच्छा, मन की उम्र कितनी है? तो काल में मन नहीं होता, काल की कल्पना करने वाला मन होता है। काल में मन है कि मन में काल? तो जिनके दो द्रव्य ही अलग अलग द्रव्य ही, मन अलग है और काल अलग है, तो उसकी बात तो हो। लेकिन ये जो मन है इसका वजन कितना है? और एक शतांश है, एक से है, एक मन है। अब हमको जो पुरानी तौल याद है, नहीं क्या होते हैं उनको मालूम। क्विंटल तो सुना है, किलो भी सुना है, लेकिन अब सोने को माथे को क्या बोलते हैं वो हमको अभी तक मालूम नहीं है। तो मन का वजन बताओ, मन की लंबाई चौड़ाई बताओ, मन की उम्र बताओ। जब हमारा मन किसी अर्थ को पेट में ले लेता है किसी विषय को, तो सदाकार भागने लगता है, और जब विषय को छोड़ देता है मन, तब उसमें कोई आकार नहीं होता है। विषयगत आकार ही मन का आकार है, मन का कोई स्वतंत्र आकार नहीं है, वो एक अमूर्त पदार्थ है। तब तक जहाँ विषय से मुक्त हुआ मन, वहाँ अपने को आत्मा से अलग नहीं दिखा सकता। ज्ञान जल विषय होने से ज्ञान स्वरूप मन और आत्मा भी ज्ञान स्वरूप, उस समय दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति न होने के कारण फिर मन अलग खड़ा हो जाता है। जैसे सुषुप्ति में मन अलग नहीं भासता, परंतु जागृत अवस्था में मन अलग भागो पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति तो ज्ञानम निर्विषय मन का भक्ति सिद्धांत के अनुसार ये अर्थ है कि भगवान के सिवाय और किसी वस्तु का चिंतन न हो। अब रह गए भगवान, सो महाराज भगवान मन के अंतर यही है। मन के अंतर जा बिना नियम के ईश्वर अंतर जानी नहीं, कोई नियमन करने से नहीं चाहिए। प्रकृतिक पुरुषन चाहिए, विश्वनादी भाव भी। जब तक नियम की सत्ता बनी हुई है, तब तक नियामक की सत्ता भी बनी हुई है। देखने में आता है जब सर्वज्ञ सर्वविद, वो जो सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा है वही नियंता है। यो यो न प्रचोदया, वो अक्सर यामी नियंता है। बोले जब हमने अपने मन को निर्विषय किया तो नियम में तो छूट गया। मन जब निश्चय निर्विषय हुआ तो नियम में तो उदन खाते में गया या बट्टे खाते में गया। उदन खाते और बट्टे खाते का भी फर्क होता है, बाणिया लोगों ने उसको बताया। तो मन को डाल दिया बट्टे खाते में। जब मन को बट्टे खाते में डाल दिया तो नियम में नहीं होने से नियामक का रूप क्या होगा? तो नियामक जो है वो सचित आनंद खंड से पृथक नहीं होगा, पर उसका ध्येय रूप क्या होगा? उसका ध्येय रूप जो होगा वो दृश्य आकार से विनिर्मुक्त और दृश्य आनंद से भी भोग्य से भी, भोग्य से विनिर्मुक्त, दृश्य से विनिर्मुक्त और आकार से भी विनिर्मुक्त, शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञान ही वो होगा। लेकिन अभी आत्मा से अभेद का तो ज्ञान नहीं है, तब तब वो इष्ट के रूप में प्रकट हो जाएगा। निर्विषय निर्विषय मन का होना माने नियम में नियामक भेद से रहित
श्री राधा कृष्ण श्री सीता राम सांब सदाशिव, इसको बोलते हैं सृष्टा ब्रह्मा और ब्रह्माणी के परे और भर्ता विष्णु और लक्ष्मी से परे और हर्ता रुद्र और रुद्राणी से परे और तिरोधान शक्ति वाले अंतर्यामी निराकार ईश्वर से परे ये सांब सदाशिव श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम सांब सदाशिव और दिव्य शक्ति भी परमात्मा इनका स्वरूप होता है। और फिर नियम में नियामक का भेद छोड़ करके पूरे सृष्टि आदि वार्ता वहाँ से ये राजा सुधा ने भी है पूरे सृष्टि आदि वार्ता सृष्टि आदि वार्ता दूर है उस परमात्मा का चिंतन होता है। अब मान लो बीच में हो गया ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो गया, कब ठीक है ज्ञान हुआ तो आत्मा और परमात्मा के अभिन्न है और देह स्थूल है, ये देह की सत्ता भी अंतःकरण में ही है। ये तो लौकिक दृष्टि से बोलते हैं कि देह में अंतःकरण है, अंतःकरण तो अपना आकार बदलता रहता है, ऐसे ऐसे करोड़ों देह उसने बनाए हैं, बिगाड़े हैं, छोड़े हैं, तो वो जो अंतःकरण में तत्व ज्ञान के पूर्व श्री राधा कृष्ण श्री राम सदाशिव श्री सीताराम चंद्र भगवान ये जो विराजमान थे वो जब अंतकरण सो जाएगा तब वो भी सो जाएगा और जब अंतकरण जागता रहेगा तब वो भी जागता रहेगा, जागते रहेंगे और उनका नित्य विहार चलता रहेगा। तो ध्यानम निर्विषयम मनः। अब सत्य भी आप देखो उसकी संगति लगा दूसरे प्रश्न सत्य भी भेदापगमी नाथ सवाहम नमामती नामुद्रो हितरंग क्वचन समुद्रो नतारंग। शंकराचार्य का रचना अद्भुत है, क्या रचना है, उद्धृत नगर नगर धनुज धनुज गुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रक्षारः। साधारण कवि की रचना दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनारविंद गोविंद भवजल विमतन मंदर परमं धर्म परयस्वर्णे। तो ये जो सत्य विभेदापगमे नाथ सवाहम नमाम पुण्यस्तम मधुसूदन सरस्वती जी ने सर्वधर्मान परिच्छेद्य की व्याख्या में जो त्रिविध शरणागति का वर्णन किया है उसमें इसको पहली है सत्य विभेदापगम और दूसरी है क्या नाम है अष्टमुखित जातो थी बला कृष्ण की मदद होता हाथ छुड़ाए जातो निबल जान कह कौन वो दूसरी और तीसरी है सकल महंत वासुदेव। ये तीन प्रकार से माम एकम शरणम व्रज की व्याख्या में श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने उद्धृत किया। तो देखो अब हुआ एक तो तत्व हुआ ज्ञान स्वरूप तत्व, उसमें तो नियम में नियामक भाव ही नहीं है और शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण तत्व, और एक महाराज ये नियम में नियामक भाव की निवृत्ति होने पर जो अंतकरण में सदाशिव और स्पंद रूप शिव तत्व का जो आदर भाव है वो सगुण वो निर्गुण नहीं है। तो हमारे शैव कृष्ण शैव कहते हैं कि उसके सगुण निर्गुण या विवर्त परिणाम का भेद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सगुण कहो निर्गुण कहो उसको क्या नाम है विवर्त कहो परिणाम कहो इसमें हमारा कोई भेद नहीं है, है वो आत्मा से अभिन्न ही स्थिति में अभिन्न नहीं है आत्मा का ही है। अब महाराज क्या हुआ कि तत्व ज्ञान हो गया लेकिन ज्ञानी जी को साढ़े तीन हाथ से और एक मन और कोई कोई महाराज ज्ञानी चार चार मन के साथ है
बड़े मोटे होते थे स्वामी थे कामी थे, तो वो स्वयं आपदस्त नहीं देते थे, उनको दूसरे लोग आपदस्त दिलवाते थे। एक पुरुष आठ मन का था, बारह में कृपा था, आठ मन का पुरुष और चार मन की उसकी पत्नी। तो ये जो महाराज तत्पर ज्ञानी लोग चार चार मन या डेढ़ मन या दो मन, अरे और ना हो भाई 60 किलो थी, तो ये जो ज्ञानियों का शरीर रहता है और उसमें जो भिक्षा मांगने की भिक्षा लेने की प्रवृत्ति होती है, उसमें जो उपदेश होता है, उसमें जो श्रवण होता है, उसमें जो सत्संग की प्रीति होती है, तो ये जो उसका अंतकरण है, उस अंतकरण में आ करके पहले से ही महाराज कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? गृहीत चेता राजस आख्यानम जगदी सभा आये कृष्ण। बोले हे ज्ञानी जी महाराज, कहा देखो ये जो तुम्हारा चित्त है ना, अब उसको हम ले लेना चाहते हैं। अरे महाराज तो हमने छोड़ दिया है, तुम ले चाहे कोई भी ले। हाँ हाँ ले जाओ ना, हमारा तो छोड़ा हुआ है, हमारा तो छोड़ा हुआ है, ले जाओ। तो वही परिनिष्ठितों में नैन गुण है, स्वयं को नैन गुण में परिनिष्ठित है, परिनिष्ठितों के नैन गुण है, उत्तम श्लोक ली ले जाते। अब आके नाचने लगे, गाने लगे, नाचने ली ले आओ, लीला माने पाँव मटकाने लगे, हैं प्यार भरी चितवन से देखने लगे, मुस्काने लगे, ना कमर हिलाने लगे, ढूंक ढूंक नाचने लगे। बोले हे ज्ञानी महाराज, हाँ हाँ श्याम सुंदर, क्या बात है? तो बात यह है कि हमको ये खेलने के लिए तुम्हारा मन चाहिए, ले लो महाराज, जो हमारा छोड़ा हुआ कब का हमने छोड़ दिया। सत्य विभेदा प्रगमे नाथ प्रवाहम ज्ञानियों की जाति नहीं होती है, जाति देह की जाति है। ये अनुवृत्ति व्यावृत्ति होती है, जाति व्यक्ति में जाति की व्यावृत्ति अनुवृत्ति व्यक्ति में व्यावृत्त भी जाति होती है और व्यक्ति में अनुवृत्त भी जाति है। तो वो तो महाराज ले लिया। आप बोले कि समुद्र और तरंग, तो समुद्र शब्द का अर्थ है समुद्रिक्षते, जिसमें द्वार आवे उसका नाम समुद्र। समय उद्रिक्षते इसे समुद्र मूल उत्पत्ति है, और मुद्रया सहित समुद्र जिसमें स्थान रत्न राशि में रत्नाकर मुद्रा विश्व अथवा शांत विक्षिप्त मुद्राभ्याम सहिता समुद्र, जिसमें कभी शांत मुद्रा होती है, कभी विक्षिप्त मुद्रा होती है। तो जब विक्षिप्त मुद्रा होती है समुद्र की, तब वो तरंगायमान तरंगायमान। तो ज्ञानी के अंतकरण में जब स्फुरण होने लगता है, तब उसमें श्याम सुंदर मुरली मनोहर की युगल सरकार राधया माधवो देवो माधवे से राधिका, एक परिशिष्ट में मंत्र है, राधा से माधव की शोभा, माधव से राधा की शोभा, राधया माधवो देवो माधवे से राधिका। ये तत्वज्ञान जो पुरुष है, हमारा तो ये कहना है कि तत्व के तो सभी आचार्य हैं, परंतु उनके सामने जैसे चेले इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे शिष्य उन पर अनुग्रह करने के लिए, हमारे प्रेमी थे, उनको ऐसा अनुभव हुआ कीर्तन करते करते उनके सामने विमान आया। अभी गौर करके चलता विमान आया, उसमें बहुत से सिंहासन उनको बनाया गया, और विमान पर महाराज श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री कल्पात्र जी महाराज, श्री योगी अरविंद रमन महर्षि और सत्तर अस्थि, उसमें मैं श्री रामानुजाचार्य शंकर और हाथ जोड़ा। ये क्या है?
ये लोग तो आपस में बड़ा शास्त्रार्थ आविवाद बड़ा कट्टम कट इन लोगों में है, यहाँ तो सब सबसे बात कर रहे हैं। तो उनको ये बताया गया कि उन्होंने देखा नहीं था कभी किसी न कर्पात्री जी को न उज्जा बाबा जी को न हरि बाबा जी को, किसी को देखा नहीं था। देखा नहीं, सब आ गया। अब आ गया महाराज को क्या हुआ कि उनको बताया गया कि ये सब भीतर भीतर अंतर देश में सब एक है, और ये बाहर आपस में जो मतभेद रखते हैं वो दूसरे मतभेद रखने वाले जो जीवों हैं जीव उनको भगवान की ओर आकर्षण करने के लिए। अब हरि बाबा जी हैं वो किसानों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए हैं, कर्पात्री जी हैं क्या पंडितों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए हैं, अरविंद जी हैं वो बाबू लोगों को जो अंग्रेजी संस्कार से संस्कृत हैं उनको भगवान की ओर खींचने के लिए हैं, रमण महर्षि जो हैं वो ऋजु विचार के जो लोग हैं जो ये अद्वैत सिद्धि खंडन आदि का पाठ नहीं कर सकते उन लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए है। ये है सब महात्मा और एक ही परमात्मा का अनुभव सबको है, लेकिन तत्त्व अधिकारियों को परमात्मा की ओर आकृष्ट करने के लिए ये नाटक करते हैं, ये नहीं वो नकने आज से अतृप्त दिन प्रकरण पंचदशी के है कि जैसा नाटक करने से लोग भगवान की ओर आए वैसा नाटक ये महात्मा लोग करते हैं। तो इनमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बोले बिना कितने सब ज्ञान ये जब जस रघुपति करें सो सत मेरे बोले और नारायण वो देखिए सो अभी। उसके बाद महाराज वो विमान पर से उतर गए, उनको एक बात कही गई तो किसी को पसंद, पर वो इतना उल्लास उनके चित्त में हुआ कि वो तो महाराज कर्जा लेकर के गोरखपुर आ गए, और गोरखपुर आके फिर गए थे बाबा के पास आए हरि बाबा के पास अरविंद के पास सरकार के पास, और देखा तो जो विमान में जो मूर्ति देखी थी वही मूर्ति हमारा उनका तो बहुत रिश्ता नाता बहुत प्रेम, अभी भूलते तो नहीं है पर प्रेम। ये है कि ये सब बाहर का मतभेद देख करके कभी घबराना नहीं चाहिए, ये तो ईश्वर एक ही है और नारायण वासना के भेद से उसके अनुभव में भेद प्रतीत होता है, अनुभव भी एक ही है। और ये महात्मा लोग जिस ढंग के लोगों को अब जो नाचते हैं गाते हैं कीर्तन करते हैं उनको चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया, जो मधुर मधुर संगीत के प्रेमी हैं राग रागिनी के प्रेमी हैं उनको हरिदास ने ले लिया, और जो महाराज अपनी गोद में भगवान को लेकर लाड लड़ाने वाले लोग हैं उनको बल्लभाचार्य ने ले लिया। तो इस तरह से ये सब महात्मा जो है एक ही परमात्मा का निरूपण करते हैं, कहीं अधिकारी के भेद से कहीं अपनी भावना के भेद से कभी अपनी साधना के संस्कार के भेद से और कहीं सर्वात्म भाव से और कभी कहीं सर्वात्म बोध से ये परमात्मा का निरूपण करते हैं। इनमें कहीं भी लड़ाई झगड़े की गुंजाइश नहीं है, जो लड़ते झगड़ते हैं तो उनको तो भगवान का स्थान है, जो लड़ेगा भागत पेश करेगा उनको भगवान का स्पर्श कहाँ है।